दादाजी ने योगदान दिया, पिताजी ने योगदान दिया, और अब इन्होंने जो भोजपुरी सिनेमा को, जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने ये कंपनी ही इसलिए बनाई कि भोजपुरी सिनेमा में जो दिक्कतें आ रही थी किसी फिल्म को रिलीज करने में, किसी फिल्म को बनाने में, हर जगह ये आगे बढ़ करके और सबको सहयोग करके सबको आगे निकालते गए। अब ये खुद फिल्म बना रहे हैं मेरे साथ में, तो मैंने पहले भी बताया कि जब हम अच्छी टीम बना लेंगे तो अच्छी फिल्म 100% बनेगी। तो उस अच्छी टीम के सबसे जो मजबूत पिलर हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। और आप बताइए भैया फिल्म के बारे में। दिनेश जी ने इतना तारीफ कर दिया मेरी कि अब मेरे को बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ये मुकामा फिल्म एक ऐसी फिल्म है कि बहुत दिनों से हम लोग बहुत परेशान थे, मैं, दिनेश जी, हमारी पूरी टीम, कि भोजपुरी इंडस्ट्री का उद्धार नहीं हो रहा है, बढ़िया फिल्म नहीं बन रही, अच्छे मेकर लोग नहीं आ रहे, अच्छे फिल्म नहीं आ रही, अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे। तभी पिछली दो फिल्म दिनेश जी की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री को थोड़ा जीवनदान मिला है, और इस दो फिल्मों से जीवनदान होने से सब लोग खुश हुए हैं। लोग बोलते हैं कि फिल्म चलती नहीं, अगर चलती नहीं तो ये दो फिल्म कैसे चली, पटना से पाकिस्तान और अपना ये निरहुआ हिंदुस्तानी। तो कहने का मतलब आप में अच्छा लगन होगा, अच्छा काम करने का लगन है, बढ़िया फिल्म बनाने की सोच है, तो फिल्म अच्छी बनती है। अब जनता को इंटरटेनमेंट चाहिए और वो इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं फिल्म देखने के लिए। अब कुछ लोगों के हाथ में बागडोर ऐसे लोग के हाथ में चला गया, वो इंटरटेनमेंट कम, वो क्या बोलते हैं उसको, बैड वर्ड है, कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, गलत काम करके फिल्म बनाते, सही लाइन पे आ गया। और इंडस्ट्री को थोड़ा, हमेशा एक समान नहीं चलता, आगे पीछे होते रहता है, भगवान चाहेंगे तो आगे से बढ़िया फिल्म बनेगी। और मुकामे से हम लोग को बहुत होप्स है, अब देखिए आगे क्या होता है। अब तो पोस्टर देख के आप ही समझो भाई, मैं क्या बताऊँ आपको। नहीं, ये पोस्टर देख लीजिए, आप पोस्टर देख के खुद ही समझ जाइए क्या है करके। मतलब इस फिल्म से मुकामा लोग पहुंच जाएंगे। हाँ, मुकामा के बारे में मतलब जान पाएंगे। जो ये चीज ना, अपनी जो भोजपुरी को अपनी मिट्टी चाहिए, वो मिट्टी देने की कोशिश करेंगे हम लोग। ऑफकोर्स मिलना चाहिए, मेहनत हम लोग पूरी टीम कर रहे हैं, अमरपाली जी कर रही हैं, दिनेश जी कर रहे हैं, इंटायर हमारा सीपीए ग्रुप कर रहा है, और इनका ग्रुप मिलके हम लोग बढ़िया काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बढ़िया से बढ़िया फिल्म बनाएं। वो लेजेंड लोग, उनके बारे में क्या बोले हम अभी, नहीं उनका एक फ्रेंड था और उन्होंने ही शुरुआत की थी फिल्म की, सोच उनकी थी और उन्होंने सोच करके पहली बार फिल्म इंडस्ट्री फिल्म आ करके पहली फिल्म बनी थी ये गंगा मैया तो पियरी चिरे वो, उसके बाद लागी नहीं छूटे रहा हमारा। सोच तिवारी साहब का ही था, कि तिवारी साहब ही फिल्म इंडस्ट्री में थे बॉलीवुड में, और उन्होंने फर्स्ट टाइम हेलन से आइटम सॉन्ग करवाया था, और आर्टिस्ट तो नए नहीं थे, सब हिंदी के ही थे, हिंदी के आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन हिंदी के थे, गीतकार म्यूजिक, समीर जी के डैडी थे, आनंद मिलिंद के डैडी थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, और सब लोग हिंदी के थे, दारा सिंह थे, महमूद थे, पोलसन थे, सब लोग काम किए थे, तो उन्हीं की देन थी भोजपुरी। हमारे दर्शक से ही मुझे कहना है कि हमारे दर्शक में भी एक कमी है कि लोग फिल्म देखने जाते नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फिल्म देखें। हमसे छोटी इंडस्ट्री है साउथ की, हाँ, तो वो लोग 200 करोड़ का फिल्म बनाता है, 10% ऑफ हिंदुस्तान का पॉपुलेशन का, और हम लोग 50-50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हिंदुस्तान है, तो हमारी फिल्म को देखने नहीं जाते। मेरा यही आग्रह है कि आप लोग जाके फिल्म देखिए तो हम लोग को बढ़ावा मिलेगा, नहीं तो हम लोग भी बैठ जाएंगे। आप लोग का आशीर्वाद देना बहुत ज़रूरी है पब्लिक का, यही मुझे कहना है। थैंक यू, थैंक यू। संतोष जी, बात करें मुकामा 0 किलोमीटर के लिए, तो क्या काम है? मतलब रियलिस्टिक सब्जेक्ट है, और मुकामा के लिए जो सब्जेक्ट का जो बेहतर चीज़ बोलते हैं, जिसको मेरे भैया सुजीत भैया ने जो सुना और इनको लगा कि नहीं फिल्म को बनाना चाहिए, और सब्जेक्ट के करंट को समझे पटना से पाकिस्तान के बाद, और बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने फिल्म को शुरू किया। और सीपीआई मूवी तो मोहताज है नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फिल्म आई या फिर आगे आ रही है ना, तो एक बेहतर सिनेमा बनाने की कोशिश किया जा रहा है पटना से पाकिस्तान के बाद। सबसे धन्यवाद भैया का जो एक्सेप्ट किया कि नहीं मैं इस जिस ढंग से सोच रहे उसी ढंग से सिनेमा को बनाऊँगा। ठीक है सर, एज ए राइटर डायरेक्टर जो पटना से पाकिस्तान के बाद मुकामा 0 किलोमीटर लेके आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना अलग है? मुकामा जब भैया से जब कई सारे सब्जेक्ट पे बात हो रहा था, तो उन्होंने कहा, बोले कि नहीं पटना से पाकिस्तान से बढ़िया और अच्छा और बेहतर फिल्म बनाना,
और फिर मैं इनको बहुत सारा कहानी सुनाया। इसमें तो मोकामा 0 किलोमीटर जो ओके की नहीं, मुझे लगता है कि भाई इस फिल्म के बाद अगर ये आएगा तो CPI मूवी उसमें सुजीत तिवारी जी या फिर पटना से पाकिस्तान के बाद संतोष मिश्रा एक बढ़िया प्रोजेक्ट लेके आए, वो बेनिफिट होगा और एक बेहतर सिनेमा हम दे पाएंगे भोजपुरी को। दिनेश जी बाकी वाली सब लोगों को सब्जेक्ट बहुत बढ़िया लगा और आदमी कोशिश कर रहा है कि इसको बेहतर तरीके से बनाए और पटना से बेहतर ऑडियंस को लगे। फिर CPI मूवी भोजपुरी सिनेमा के लिए एक आधार है और CPI मूवी उस वक्त आई जब एक बार हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसा लगा कि शायद सब कुछ अपना रुक जाएगा, जो कई बार हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले के भी लोग बताते हैं। उस वक्त CPI मूवी सुजीत भी आया और अपना कंधा लगा के इसको फिर से खड़ा किया और प्रोजेक्ट बनना चालू हुआ और बेहतर चीज़ें बनी और आज पटना से पाकिस्तान के बाद निरहुआ हिंदुस्तानी, अभी CPI का और से प्रतिज्ञा 2 इतना बढ़िया बना के लगा कि नहीं भोजपुरी हमारा भी खत्म नहीं, फिर से एक नया दौर शुरू हो गया। उसमें CPI मूवी का बहुत बड़ा योगदान है। सर दौर की बात किया जाए तो पहला दौर था जहाँ भी फिल्म भोजपुरी सिनेमा शुरू हुआ, गंगा मैया तो पीले चढ़े वो तिवारी जी जो दादाजी हैं सुजीत तिवारी जी के, उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया था वो इतिहास सुजीत तिवारी जी दोहरा रहे हैं। ये तो मतलब कहा जाएगा कि एकदम स्तंभ जो अपने पूर्वज की चीज़ों को लेके, क्योंकि हम लोग तो पढ़े और फिर सुने, अब भैया तो प्रत्यक्ष हो दर्शी हैं कि उन्होंने देखा है बचपन में क्या क्या चीज़ें हुई और एक हिम्मत उठा के उन्होंने दादाजी और पिताजी के सपने को जो आगे बढ़ा रहे हैं, ये मतलब आज के टाइम में करना बहुत बिरले व्यक्ति का काम है। अपना बिजनेस से टाइम हटा के फिर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सब हर चीज़ में आना, हर चीज़ में सहयोग देना और हर आदमी को गाइडलाइन वो डिस्ट्रीब्यूशन से लेके या फिर फिल्म बनाने के मेथड तक, क्योंकि इनका बचपन में जो भी अनुभव है वो सारा शेयर करते हैं, हम लोग इनके गाइडलाइन पर चलते हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम इनके छत्र छाया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। CPI मूवी भोजपुरी सिनेमा का एक स्तंभ है। बहुत दिनों के बाद, अरसों के बाद कोई ऐसा डायरेक्टर आया है संतोष मिश्रा के नाम से, जो संतोष मिश्रा अपने नाम का मोहताज नहीं है लेकिन इनके योगदान से भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूम मिला है और मैं आशा करता हूँ कि इस फिल्म में बहुत अच्छा ये करेंगे। रहा बात पटना से पाकिस्तान का, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। ये हम लोग इसके लिए अलग कर रहे हैं कि एक अलग ढंग का फिल्म, हमेशा इंटरटेनमेंट अलग अलग ढंग का होना चाहिए। जैसे आदमी बैठता है टीवी पर तो हमेशा चैनल चेंज करते रहते हैं, उसके विचार होते हैं भाई ये देखें तो उसको वेरिएशन चाहिए देखने में, तो उसी प्रकार पटना से पाकिस्तान से हट के थोड़ी फिल्म है और इसमें जी जान लगा दिया ये मेरे छोटे भाई ने। संग्राम भी बहुत अच्छी फिल्म है। अच्छा तो फिल्म तो अच्छा ही बोलूँगा, ख़राब नहीं बोलूँगा, वो डिसाइड पब्लिक करेगी। उसमें बहुत कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बहुत कोशिश हुआ है और संग्राम का कुछ 70-80% कंप्लीट हो चुकी है पिक्चर, अभी 2-4-5-6-7 दिन का काम बाकी है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। भाई ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं CPI मूवीज़ को, सुजीत भैया को, संतोष मिश्रा को बधाई देना चाहूँगा। एक बड़ी हिट देने के बाद संतोष जी, दिनेश भाई को लेकर के CPI मूवी एक बड़ा बैनर है, पर इनका इंडस्ट्री से नाता आज का नहीं है, 50 साल पुराना है। उनके पिताजी भी फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं और पटना टू पाकिस्तान में हम लोगों को एक नया जीवन मिला। निरहुआ रिक्शा वाला के बाद फिर से एक बहुत बड़ी हिट दी पूरी टीम ने मिलकर, तो भगवान करे ये सिनेमा मोकामा 0 माइल एक बेहतरीन सपोर्ट ऊपर हिट हो, यही मेरी शुभकामना है। किस तरह से किरदार रहने वाला है सर? मुझे अभी किरदार के बारे में उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे पटना टू पाकिस्तान में आपको अलग किरदार दिया गया था, बस ऐसे ही कुछ अलग किरदार इस बार दिया जाएगा। और मैं संतोष मिश्रा से कभी रोल नहीं पूछता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि संतोष मिश्रा मुझे जो देंगे वो अच्छा ही देंगे। बात करें जो है दो लाइन आपका संवाद हो जाए पटना से पाकिस्तान वाले। पटना टू पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा सीन है जब वो बोलते हैं, उधर से पाकिस्तान से फ़ोन आता है कि अरे तूने ट्रक में हथियार भेजा था, वो तो गुड़ भेजा था, वो तो हथियार निकल गया। तो मैं बोलता हूँ भाई मैंने तो यहाँ से हथियार ही भेजा था, मैंने तो यहाँ से गुड़ ही भेजा था, उधर हथियार निकल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे गालियाँ देता, तो मैं बोलता हूँ धमकी ना आई, जब तक इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, जब तक सारा मामला सॉल्व ना हो जाए तब तक फ़ोन मत करना, टी पू पापी पू। खुद आप वालेकुम प्रणाम। सर वालेकुम प्रणाम का आइडिया कैसे आया? वालेकुम प्रणाम का आइडिया ऐसे ही अचानक आ गया, मैंने डबिंग में डाला उसको, शूटिंग में मैंने वालेकुम सलाम ही बोला था लेकिन डबिंग में मेरे दिमाग में आया कि वालेकुम प्रणाम बोलूँ और इतना हिट हुआ है
कभी मैं बिहार गया था तो पब्लिक चिल्ला के बोलती थी वालेकुम प्रणाम, इतना बड़ा हिट हुआ है। बता था चाचा कि एक नया रूप देखने को मिला पटना पाकिस्तान में, वालेकुम प्रणाम हिट हुए। जी जी, देखिए अभी क्या है, मैं एक कलाकार हूँ, मेरे अंदर बड़ा कुछ छिपा हुआ है, मुझे इसी तरह के अलग अलग किरदार करना, मैं सिर्फ कॉमेडियन नहीं बनना चाहता, मैं हर तरह का किरदार करना चाहता हूँ, चाहे विलन हो, कॉमेडी हो, बाप का रोल हो, चाचा का रोल हो, मैं मतलब एक अगर हिंदी में पूछा जाए किसी एक्टर की तरह तो मैं परेश रावल जैसा किरदार करना चाहता हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ, पंकज कपूर जैसा बनना चाहता हूँ। आगे प्रोजेक्ट में किस रोल में नजर आने वाले हैं? अभी आगे में तो मुकामा है, इसके अलावा राजकुमार पांडे की दुलारा है और राजा डोली लेके आजा बैंड बजाए पवन राजा है, इसके अलावा बलमुआ तोहरे खातिर एज मेन विलन हार्ड कोर विलन में आने वाला हूँ, शूटिंग कम्प्लीट है, ये सारी फिल्में हैं। अभी फिल्म रिलीज हुई है पटना बिहार में चल रही है हमसे बढ़कर, उसमें भी आपके अलग रूप देखने जी हमसे बढ़कर कौन, कोई अच्छा रिस्पांस है बता रहे लोग अच्छा, उस सिनेमा को लिखा भी मैंने, उसका डायलॉग राइटर भी मैं हूँ और उसमें अलग फुल कॉमेडी है और लोग अच्छा किरदार भी अलग दिख रहा है। हाँ वो सलमान खान का कॉपी करता है, बड़े बड़े बाल, उसमें जैसे बोलता है कि एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ तो खुद की भी नहीं सुनता हूँ, इसमें बोलता हूँ एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ तो घंटा किसी को नहीं सुनता हूँ। वो तो किरदार में तभी आता है कि हमारा नाम बतासा है, हम एक बार कमिटमेंट करते नहीं तो घंटा के अपना सुनी ला।